अयोध्या को वर्ल्ड स्पिरिचुअल कैपिटल के तौर पर देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है, और उसको लेकर के एक पूरी रूपरेखा भी तैयार हो गई है। किस तरीके के दिखेगी अयोध्या, किस तरीके का उसका जो है प्लान है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, एक बार जब पूरा विकास होगा तो किस तरीके से दिखेगी अयोध्या, आपको वो समझाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं श्री राम जन्मभूमि या राम मंदिर जहां पर बनाया जा रहा है उस जगह की, तो ये देखिए राम मंदिर परिसर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। लेकिन राम मंदिर परिसर के साथ ही में पंचकोसी परिक्रमा का भी ये रास्ता दिया हुआ है। अगर हम इस पूरे रास्ते को देखते हैं तो ये पूरा पंचकोसी परिक्रमा का रास्ता है। वहीं अगर हम इसी जगह से कुछ दूरी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल म्यूज़ियम भी यहाँ पर होगा। नया घाट भी नज़र आ रहा है, यानी कि सरयू घाट के किनारे नया घाट है और इंटरनेशनल म्यूज़ियम भी राम मंदिर से कुछ ही दूरी पर तैयार किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर सैलानी आएंगे तो उनके लिए ओपन जिम भी यहाँ पर रखा गया है, ओपन जिम है। उसी तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो तैयार की जाएंगी। इसी प्रोजेक्ट के तहत अगर हम कुछ दूरी पर बात करते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तैयार किया जाएगा। वहीं अगर पंचकोसी परिक्रमा के अलावा बात की जाए 14 कोसी परिक्रमा की, तो कुछ इस तरीके से ये पूरा रूट तैयार किया गया है। ये देखिए, ये यहाँ से पूरा रूट है जो कि राम मंदिर के चारों तरफ घूमता हुआ हमको नज़र आएगा। इस सब के बीच में गुप्तर घाट भी पड़ेगा, 14 कोसी परिक्रमा का ये रास्ता है। वहीं बीच बीच में थोड़ी जगह ग्रीन फील्ड भी छोड़ी गई है और वो ग्रीन फील्ड भी नज़र आ रही है। इसी से कुछ दूरी पर अयोध्या कैंट का रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है। और ये जो बाकी जगहें हैं यहाँ पर अभी विकास, या ये कहा जाए इसके आगे का प्रोजेक्ट क्या होगा, किस तरीके से बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, वो भी आपको एक अलग तस्वीर के ज़रिए दिखाते हैं। तो ये वो नेशनल हाईवे का रास्ता है, ये प्रयागराज की तरफ एक रास्ता जाएगा तो दूसरा रास्ता लखनऊ की तरफ जाएगा। तो किस तरीके से अयोध्या को पूरा विकसित किया जाएगा उसका एक मॉडल है। हालांकि सबकी निगाहें जो टिकती हैं वो राम मंदिर पर टिकती हैं, राम मंदिर किस तरीके से बनकर तैयार होगा उसका तो प्रतिरूप सामने आ चुका है और वो कुछ इस तर्ज पर होगा। लेकिन सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल के तौर पर दुनिया भर में पहचान दिलाने की कोशिश है। और इसी वजह से जगह जगह पर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सरयू के उस साइड भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सरयू घाट के आसपास जो घाट हैं वहाँ पर भी उसको भी एक तरीके से विकसित करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। पंचकोसी परिक्रमा का रास्ता हो या 14 कोसी परिक्रमा का रास्ता, और इसके साथ ही में हम ये भी देख सकते हैं कि ये RML यूनिवर्सिटी वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट के पास हमको जो उसका कैंपस भी नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर के इस प्लान के ज़रिए अगर हम थोड़ा सा दूर से देखते हैं तो इस प्लान के ज़रिए एक पूरा किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल के तौर पर डेवलप करने का, विकास करने का, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि सरकार की योजना ये है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि अयोध्या की पहचान राम मंदिर के तौर पर ही रहे। राम मंदिर निश्चित तौर पर एक जो उसकी अपनी पहचान है, लेकिन पूरा अयोध्या का विकास होना ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए गए। लेकिन ये देखिए, ये जो कुछ जगहें हैं जहाँ पर ये हमको ये टावर से नज़र आ रहे हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं तो किस तरीके से डेवलपमेंट होगा, उसके लिए हमको दूसरे स्टॉल पर चलना पड़ेगा। वो जो छोटे छोटे टावर्स हमको वहाँ नज़र आ रहे थे, वो जब आप आगे आएंगे तो उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कुछ इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग भवन बनाएगा। अगर मैं सहयोगी कैमरा पर्सन की मदद से आपको दिखा सकता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर बिहार भवन भी होगा, यहाँ पर सिक्किम भवन भी होगा, थाईलैंड भवन भी होगा, साउथ कोरिया भवन भी होगा, क्योंकि साउथ कोरिया से जो है एक अलग रिश्ता रहा है भारत का और खासतौर पर अयोध्या का। फिजी भवन, थाईलैंड भवन, आंध्रा भवन, उत्तराखंड भवन, हरियाणा भवन। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के राज्यों से जुड़े हुए भवनों की बात हो रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टूरिस्ट यहाँ पर आ सकें, उनका भी रहने का इंतजाम, उनके लिए खास तौर पर भवन तैयार करने की बात हो रही है। मॉरिशियस भवन, जम्मू भवन, मेघालय भवन, ये कई सारे जो भवन हैं जिनका निर्माण इस तरीके से इस स्तर पर किया जाएगा। वहीं अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर और किस तरीके का डेवलपमेंट होगा वो भी हम देख सकते हैं। ये कल्चरल टूरिज्म सेंटर
रामकथा पार्क अयोध्या में किस तरीके से बनाया जाएगा उसका भी नक्शा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक रामकथा पार्क है। हम देखते हैं कि रामकथा पार्क में अमूमन जो है पिछले जो है 3-4 सालों से जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से हर साल रामलीला होती है और उस दौरान यहाँ पर कार्यक्रम भी होता है, लेकिन कुछ इस तर्ज पर अयोध्या को विकसित करने का प्लान बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और बार बार यही कहा जा रहा है कि राम मंदिर तो अयोध्या की पहचान है ही, लेकिन इसको ग्लोबल एक तरीके से सिटी के तौर पर पहचान दिलवाना है और इस वजह से अयोध्या का विकास सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, जिससे कि सिर्फ ऐसा नहीं अयोध्या बल्कि आसपास के इलाकों में भी बड़ी संख्या में लोग यहां तक पहुंचे और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सैलानी अयोध्या में पहुँचे और वहाँ पर पहुँच करके उनको वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी जो कि विश्व स्तर की हैं। और इसी वजह से पूरे अयोध्या के विकास का एक मॉडल यहाँ पर पेश किया गया है और उससे साफ है कि सरकार की योजना यही है कि अयोध्या की पहचान राम मंदिर तो हो ही लेकिन सर्वांगीण विकास भी उसका एक उदाहरण बने। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।